हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। रायपुर पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़, बदमाशों ने पुलिस की जीप को लगाई आग, बदमाश मौके से फरार। शनिवार अल सुबह जैतारण रायपुर हाईवे पर लिलांबा गांव के समीप पुलिस व बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, साथ ही बदमाशों ने पुलिस की जीप को आग लगा दी, जिससे जीप पूरी तरह जलकर खाक हो गई। मामले की जानकारी मिलते ही जोधपुर रेंज आईजी नवज्योति गुगाई ने घटनास्थल पर पहुंचकर मौका, स्थिति का जायजा लिया, साथ ही आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर निर्देश दिए। पाली पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत ने बताया कि गत रात्रि को पुलिस थाना रायपुर के ड्यूटी अफसर चेनाराम हेड कांस्टेबल, अनिल कुमार हेड कांस्टेबल, जोगाराम कांस्टेबल व राजेंद्र ड्राइवर सरकारी वाहन जीप से रायपुर थाना क्षेत्र में हाईवे गश्त पर थे। गश्त के दौरान रायपुर जैतारण मेगा हाईवे पर एक ट्रक के ऊपर संदिग्ध व्यक्ति चढ़ा हुआ दिखाई दिया, जो त्रिपाल काटने का प्रयास कर रहा था। पुलिस टीम ने ट्रक का पीछा किया तो ट्रक के पीछे बैठा संदिग्ध गति धीरे होने पर ट्रक से उतरा और साथ चल रही मोटरसाइकिल पर सवार होकर भागे, जिनका पीछा किया गया। पुलिस को देखकर दोनों संदिग्ध मोटरसाइकिल से ग्रामीण रास्ते में फरार हो गए। पुलिसकर्मी घटनास्थल के पास वाहन खड़ा करके नाकाबंदी कर रहे थे, इसी दौरान पीछे से एक बलेरो कैंपर से कुछ आपराधिक तत्व लोग आए और पुलिस वाहन के ऊपर टक्कर मारने की कोशिश की। उसी दौरान अपराधियों ने मौका देख पुलिस जीप में आग लगाकर फरार हो गए। घटना रात्रि 3 बजे के लगभग की है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही सीओ सोजत डॉक्टर हेमंत कुमार जाखड़ व अन्य अधिकारियों ने मौके पर पहुंचने की सूचना दी। गोपनीय एवं तकनीकी जानकारी से संदिग्धों की पहचान की है, कुछ संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम गठन करके गिरफ्तारी के प्रयास, रेड तलाशी की जा रही है। जागरूक टीवी के संवाददाता से पाली जिला पुलिस अधीक्षक कालूराम रावत, इनका कहना है कि आज गत रात्रि को पाली जिले के रायपुर थाना क्षेत्र में रात्रि के समय में हेड कांस्टेबल 3 जवान सरकारी वाहन में हाईवे और मेगा हाईवे पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। पेट्रोलिंग के दौरान ही उनको एक ट्रक के ऊपर त्रिपाल काटकर माल चुराने वाली गैंग के संदिग्ध दिखाई दिए, जिनका उन्होंने पीछा किया। वो एक मोटरसाइकिल ट्रेलर चल रही थी, उनके साथ उसके बैठ के ग्रामीण इलाके में भागे। पीछा करने के बाद में वो अंधेरे का फायदा उठाकर इधर उधर हो गए। मोटरसाइकिल वो सड़क पर लेकर आई पुलिस को। थोड़ी देर बाद ही उनके साथ उनके जो सहयोगी आपराधिक तत्व थे एक बोलेरो कैंपर में आए और जो टीम वहाँ पर नाकाबंदी करके उस पर वाहन चलाने की कोशिश की। टीम में जो भी सदस्य थे उन्होंने अपने बचाव में पास में खेत में जम करके उन्होंने अपने आप का बचाव किया और जो ही वो खेत में बचाव करने के लिए उधर रहे, उसी दौरान मौका देखकर उनमें से अपराधियों में से किसी ने जो पुलिस वाहन था उसमें आग लगा दी, जिससे वाहन जल गया। जागरूक टीवी के सोजत से बाबूलाल पवार की रिपोर्ट।